यात्रीगण कृपया ध्यान। तो यार लाइफ में ना कभी कभार बहुत ज्यादा फन करने को मन करता है, और मेरे लिए फन की डेफिनेशन आप टाइटल में पढ़ी चुके हो। मुझे वैसे भी किसी महान पुरुष ने कहा था कि सफर का असली मजा लेना हो तो ट्रेन के जनरल डब्बे में सफर करना, तो बस मेरा अपना बैग उठाया और मैं चल दिया। अब मैं पूरे 4 घंटे ट्रेन के जनरल डब्बे में बताने वाला हूँ। हम मैं खड़ा हूँ यमुनानगर स्टेशन पे, ये ट्रेन यमुनानगर टू ऋषिकेश जाएगी। एक मिनट, मैं ये वीडियो किसी का मजाक उड़ाने के लिए नहीं बना रहा, बल्कि ये मेरी खुद की फीलिंग कह रही है कि मैं इस ट्रिप को आपके साथ शेयर करूँ। तो पूरे 130 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम जा रहे हैं ऋषिकेश, और हमारी यह ट्रेन 3 अलग अलग स्टेट से होकर गुजरेगी, हरियाणा, यूपी और उत्तराखंड। और ऋषिकेश तो उत्तराखंड में ही है। ट्रेन का नाम है गंगा एक्सप्रेस और ट्रेन का नंबर 104747। तो आइए शुरू करते हैं। इतने में हमारी ट्रेन आ जाती है और मैं चढ़ जाता हूँ ट्रेन के अंदर। पर अंदर चढ़ते ही मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि ट्रेन बहुत खाली मिलती है। फिर मैं अपना बैग अपनी फेवरेट सीट पर रखकर मस्ती मारने लगता हूँ। फिर ट्रेन चल पड़ती है अपने सफर की ओर। अगला स्टेशन आते ही ट्रेन अपने साथ बहुत सारी भीड़ लेकर आती है। और अब हमारे डब्बे की हालत कुछ ऐसी होती है, पर क्या करें, जिंदगी का नाम ही एडजस्ट करना होता है। ये दुनिया थोड़ी छन भंगुर, ये दुनिया थोड़ी थे थर है, तुम जितनी जहर समझते हो बस उससे थोड़ी बेहतर है। ये बूढ़ी खचड़ा गाड़ी है जो धक्के धक्के चलती है, ये उजड़ी ठाकुर बाड़ी है जो इतने में मुझे भूख लगती है और आराम से मैं समोसा खा रहा हूँ। पर मन के अंदर एक बहुत बड़ा डर था क्योंकि अगला स्टेशन सहारनपुर होता है। गाइस यहाँ का टॉयलेट दिखाता हूँ मैं, जनरल का। यह पानी शीशा और यह है टॉयलेट। बड़ा बुरा हाल मचा रखा है टॉयलेट में। यह है जनरल डब्बे का, देख लो। और सहारनपुर अपने साथ साथ बहुत सारी भीड़ भी लेकर आता है। अब हमारे डब्बे की हालत कुछ ऐसी होती है भाई, कसम से, कभी किसी का तो हाथ लग रहा है मुंह पे, कभी किसी का बैग लग रहा है, और साथ ही किसी ने शूज निकाल दिए और मोजे निकाले नहीं, पर उसमें से बहुत गंदी बदबू आने लगी थी। मैं सच में आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, और इतनी भीड़ से तो भाई मेरे को सांस भी नहीं आ रहे थे, मैं बिल्कुल दब चुका था। आप खुद ही देख लो। पर वो कहते हैं ना, लाइफ हर चीज़ में ढलना सिखा देती है। कोविड में मास्क अडेप्ट हो गए थे, तो ये क्या ही चीज़ है। अब अगला स्टेशन हरिद्वार है, नवा स्टेशन, नवी भीड़, आप खुद ही देख लो। गंदी बदबू आ रही है, किसी ने शूज उतार दिए पर मोजे नहीं उतारे, बहुत गंदी बदबू आ रही है, बहुत ज़्यादा। मैं बता रही
इतने में ट्रेन थोड़ी खाली हो जाती है और मैं उठ के चला जाता हूँ अपने फेवरेट सीट पर बैठने के लिए। फिर मैं आराम से खिड़की किनारे बैठकर बाहर का नज़ारा देख रहा होता हूँ। गाइस टनल आ गया, गुफा आ गया। हरिद्वार से जो ऋषि जाते हैं बीच में आती है ना, वो गुफा आई है। ये देखिए अंधेरा भाई, एक और गुफा आ गया। यहाँ का नजारा जंगल का नजारा देखो भाई, ये मनोकामना सिद्ध पंचमुखी मंदिर है हनुमान जी का। और ये गुफा आ गई, एक और गुफा आ गई भाई साहब। टनल देख के बड़ी खुशी होती है मेरे को, बड़ी दूर तक का है तो मजा आ गया भाई साहब देख के। गुफा बहुत लंबी है, गुफा जंगल के बीच में जा रही है ना। सच में मुझे बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी। एक मिनट, पर इस फीलिंग को मुझसे भी अच्छा संजय मिश्रा साहब जी ने एक्सप्लेन किया है, तो आइए सुनते हैं। मंजिल है अलग मगर चलना सबको साथ, हर ट्रेन में कुछ तो घर वाली बात है। सरक सरक कर लोगों ने एक्स्ट्रा जगह बनाई, वेटिंग लिस्ट वालों को भी कंफर्म सीट दिलवाई। एडजस्ट करने का यहां सबके पास खिताब है, हर ट्रेन में कुछ तो घर वाली बात है। ट्रेन का हो या घर का, दरवाजे तक सब छोड़ने आते हैं। हाँ, मंजिल तो है अलग मगर चलना सबको साथ है, हर ट्रेन में कुछ तो घर वाली बात है। तो इस सफर से मैंने क्या सीखा? यही कि कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, इंसान उस सिचुएशन में ढलना सीख ही जाता है। जैसे कोविड में मास्क अडेप्ट हो गए, तो ये ट्रेन क्या ही चीज़ थी मेरे लिए। और अगर आपके सर के ऊपर छत है और आप साल के 27,000 रुपये भी कमा रहे हो ना, तो आप गरीब नहीं हो यार। बाकी आपको सोचना है कितनी गरीब कम हुई, कितनी गरीबी कम हुई। फाइनली गाइस पहुंच गए हम ऋषिकेश। ये रहा ऋषिकेश, ऋषियों की धरती। बहुत सुंदर लग रहा है, पीछे देखिए पहाड़ हैं पर बारिश के कारण, बादल के कारण ढक गए हैं सारे। तो फाइनली गाइस ऋषिकेश पहुंच गए। आप पीछे देख सकते हो मेरे पीछे ऋषिकेश का बोर्ड। सो फाइनल गाइस आपको ये वीडियो के बारे में थोड़ा नॉलेज दे दूँ, थोड़ा बता दूँ कि मैं किसी का मजाक उड़ाने के लिए मैंने ये वीडियो शूट नहीं किया जनरल कंपार्टमेंट की। तो इसको मैं फील करना चाहता था और आप सबको बताना चाहता था कि जैसे हमारी सोच बना रखी है जनरल कंपार्टमेंट के लिए, बहुत बदबू होती है, बेकार होती है, बेकार लोग चढ़ते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है, बहुत मजा आता है यार। हमें कोई ना कोई सिचुएशन में ढलना सीखना चाहिए, ये हमें जनरल कंपार्टमेंट का डब्बा सिखाता है। तो आप भी सफर करना एक बार जनरल कंपार्टमेंट में फीलिंग के साथ, आपको बहुत मजा आएगा। और हम ऋषिकेश पहुंच गया, अगला ब्लॉग आपको ऋषिकेश का मिलेगा। तो फाइनली एक ब्लॉग आपको कैसा लगा आपको लाइक और कमेंट करके बता देना यार। मिलते हैं किसी और वीडियो में, दिल थाम के बैठना, आप ऋषिकेश का ब्लॉग मिलने वाला आपको। तो वैसे तो मैं किसी काम के लिए आता पर सोचा ब्लॉग भी कर लूँ। तो अगली वीडियो आपको ऋषिकेश की मिलेगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।